वेल परवरिश के काफ़ी सारे टिप्स हम 1.5 साल से शेयर कर रहे हैं व्यूअर्स के साथ, और आज आई थिंक यही कि माँ बाप को बच्चों में आत्मविश्वास जगाना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए, जिस वजह से वो खुद की काबिलियत पर भरोसा करने लगे, और माँ बाप को हमेशा हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। मैंने टिप्स ली हैं काफ़ी सारी इनसे, और गिप्पी बेसिकली एक कहानी एक ऐसी लड़की की है जो ये कहती है कि ज़िंदगी में आप जो हैं उसमें आपको खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हम लोग जो इतना स्ट्रेसफुल ज़िंदगियाँ जीते हैं उसमें हम अपने अंदर जो एक गिप्पी होती है, जो एक ऐसी शख्सियत होती है जो हमेशा मस्ती करे, खुद में रहे एंड जस्ट बी हैप्पी विद इन योर ओन स्किन, तो वो जो चीज़ है वो शायद हम कई बार भूल जाते हैं। तो परवरिश भी एक ऐसा शो है जो बच्चों को बहुत खूबसूरती से बढ़ावा देता है, और पेरेंट्स और बच्चों का जो बॉन्ड है बहुत सुंदर तरीके से पेश करता है। तो हमें लगा ये बिल्कुल एप्ट जगह है गिप्पी के साथ यहाँ पर आने की और कुछ इनसे टिप्स लेने की, और उन्होंने टिप्स दी कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। गिप्पी और मेरा कैरेक्टर काफ़ी मिलता है, हम दोनों एक ही एज ग्रुप से अभी गुजर रहे हैं, हम दोनों के इनसिक्योरिटीज़, कन्फ्यूजन्स, ऑकवर्डनेस इस एज में तो होता ही है, एंड इसलिए ये मेरी लाइफ में भी हो रहा है एंड गिप्पी के साथ तो आप देखेंगे ही, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है हम दोनों में। गिप्पी को बस पता था कि रावी नाम की एक लड़की जो एग्जिस्ट करती है, जो कि पिंकी मासी की बेटी है, एंड हम दोनों पहले एक दूसरे से मिले नहीं हैं, बट हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं क्योंकि सुना हुआ है अपनी अपनी मम्मियों से।